Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. चुनाव की घोषणा हो गई, आम आदमी पार्टी इस मुद्दा बना रही थी, करी थी, चुनाव ही नहीं करा रही बीजेपी, क्या कहेंगे? अभी अभी मुझे किसी ने खबर दी, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि वो तो कह रहे थे चुनाव नहीं होगा, वो तो कह रहे थे कि बीजेपी नगर निगम को भंग कर देगी, खत्म कर देगी, और अचानक चुनाव होने से उनके कार्यालय में मातम है, कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहा है आम आदमी पार्टी का। 200 से अधिक सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार नगर निगम में पुनः वापसी करने वाली है। आम आदमी पार्टी बौखला चुकी है, इसीलिए आज आपने देखा दिल्ली की दम घोटू हवा पर मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से बचने का काम किया। हर दिन मुद्दा भटकाना, आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। 8 साल की विधायकों के पास किस मुंह से विधायक जाएंगे, क्या उपलब्धि के कारण जाएंगे कि मैंने ये काम कर दिया विधानसभा में? सड़कें, पानी, सीवर, नाली, सड़क, खड़ंजा, कहीं पर डेवलपमेंट का काम नहीं है। तो इसलिए कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, हाँ हमने जिम्मेदारी ले ली, ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है, इसका कोई जनता सब जान चुकी है। कूड़ा लग रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी कूड़े को मुद्दा बना रही है, कूड़ा ये मुद्दा होगा एमसीडी चुनाव में? देखिए, कूड़े का बेहतर निस्तारण होना चाहिए, मगर उसके लिए साधन चाहिए। जब तक मानवता रहेगी तब तक कूड़ा कर रहेगा, कूड़ा खत्म नहीं हो सकता मानवता जब तक रहेगी। मगर अगर 42,000 करोड़ रुपए नगर निगम के, जो अमित शाह जी ने संसद के पटल पे कहा आपको हमें देने थे, अगर वो समय पर मिल गए होते तो एनएचआई के साथ जो नई टेक्नोलॉजी से इस कूड़े को सड़क पे इस्तेमाल हो रहा, वो पहले हो सकता था। पंजाब में भी कूड़े के बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड हैं, अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। जब तक मानवता रहेगी कूड़ा निकलेगा तो कूड़ा रहेगा, कम या ज्यादा, मगर बेहतर संसाधनों के साथ देश की राजधानी अगर नगर निगम चलाएगी तो उसका इसका निस्तारण और बेहतर तरीके से होगा। गुजरात में 2 चरण के चुनाव के बीच दिल्ली एमसीडी का चुनाव, अब इसे भी वो राजनीति मान रहे कि जानबूझकर ऐसा किया गया? ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये तो वो है जिन्हें हर हाल में बस रोना था, रोते रहेंगे। उन्हें मालूम है ना गुजरात में सीट मिल रही है, ना हिमाचल में सीट मिल रही है, और दिल्ली में तो बहुत बुरी तरह जनता उन्हें हराने वाली है।